मधुबाला या मालिकेत पुन्हा एकदा ट्विस्ट आलाय, कारण पुन्हा एकदा मधुबाला सज्ज झाली आहे लग्नासाठी. त्यातच विवेन परत येण्यानं मालिकेत नवा ड्रामा पाहायला मिळणार आहे. विविन लौट आया है, आर के नहीं लौट आया. उसका आई गेस नेम कुछ और होगा जो मुझे नहीं पता अब तक, बट यस आई डिसगाइज में मेरी शादी हो जाती है विविन. आई थिंक ही इज मेंटली चैलेंज्ड एंड मेरे लिए भी झटका है जब मुझे पता चलता है कि मेरी इससे शादी हो गई है. सो आई गेस देन द स्टोरी विल बी अबाउट हाउ आई टैकल विद इट एंड हाउ आई गेट हिम back to normal. मैं वापस आ रहा हूँ आपके फेवरेट शो मधुबाला के इश्क जुनून में, और जैसा कि मैं पब्लिक डिमांड पर वापस आ रहा हूँ एंड ऑब्वियसली स्टोरी भी डिमांड करती है, तो बस मैं वापस आ रहा हूँ आपको बेटर एंटरटेनमेंट देने के लिए और एक नया कैरेक्टर लेकर. हंसते खेलते मस्ती मजाक करते काम करते हुए काम करना पसंद करता हूँ, और आई थिंक पूरी यूनिट को भी वही लगता है, बिकॉज सिर्फ सीरियसली काम करने से काम नहीं होता है, आप हंसी मजाक करके भी काम कर सकते हो और अच्छा काम कर सकते हैं. सो आई थिंक दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप सेट का माहौल लाइट रखें, ज़्यादा सीरियस ना हो, तो उससे काम भी आसानी से होता है और अच्छा होता है. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.